स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 एलजेब्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। तो एलजेब्रा होता क्या है? एलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ये? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर हम करते क्या हैं? इन दिस वी यूज्ड रूल्स ऑफ अर्थमेटिक इसमें हम अर्थमेटिक के यूज रूल्स यूज करते हैं, रूल्स ऑफ अर्थमेटिक एंड देयर ऑपरेशन, उनके ऑपरेशंस को यूज करते हैं। अब बात ये आती है कि एलजेब्रा हमें यहाँ पे यूज क्या आने वाला है। जैसे कि मैं मानता हूँ, जैसे मान लो एक आपके पास एक क्वेश्चन आ गया फिलअप की फॉर्म में कि डैश मतलब बॉक्स प्लस 5 इक्वल टू 9, डैश प्लस 5 इक्वल टू 9। तो ये अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एलजेब्रा। यानी कि इस बॉक्स को मैं क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। यानी कि यहां पे कोई भी नंबर होगा उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। यानी कि एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9 है। यानी यहां पर 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 9 मिल जाए। तो यहां पर x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? x की जगह पर मैं लिखूंगा 4। क्या लिखूंगा? 4। यानी 4 प्लस 5 क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो ये जो चीज है इसी को एलजेब्रा बोला जाता है। यानी एलजेब्रा के अंदर हम अर्थमेटिक के रूल्स यूज करने वाले हैं, मतलब अर्थमेटिक के रूल्स यूज करने वाले हैं ताकि जो हमें आंसर चाहिए वो आसानी से मिल जाए। या फिर इसको देखो, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको मैं इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं? जैसे यहां पर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9, ये कंप्लीट अपने आप में इसे क्या बोलते हैं? इसे इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि यहां पर ये जो टर्म है ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो टर्म है वो है राइट हैंड साइड। क्या है ये? लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड में आ रही है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड में आ रही है तो राइट हैंड साइड। किसके? इक्वल टू के। किसके? इक्वल टू के। यानी इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, राइट में राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब भी कोई वैल्यू जाएगी साइन क्या होगा? चेंज होगा। यानी प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का 5। यानी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू 9 माइनस 5 और 9 में से 5 गया तो क्या आया? 4। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक है। देन अगली डेफिनेशन लिखते हैं हम, कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो कॉन्स्टेंट है जनरली बेसिकली आपका अ सिंबल हैविंग, अगला है कॉन्स्टेंट, क्या है? कॉन्स्टेंट, अ सिंबल हैविंग, अ सिंबल हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल है हमारे, कॉन्स्टेंट हो गया 2, 3, 4, 5, 8, 10 एटसेट्रा, सभी की सभी क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट हैं। ठीक है, देन अगला आता है वेरिएबल।
अगला क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल है आपका वेरिएबल द लेटर यूज्ड इन एलजेब्रा। जो लेटर हम यूज करते हैं एलजेब्रा में आर वेरिएबल और लिटरल एल आई टी ई आर एल, इनको लिटरल भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल एक्स वाई जेड एम एन एटसेट्रा, ये जो हम यूज करेंगे एलजेब्रा में उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक। और उसके बाद हम बढ़ने वाले ऑपरेशन ऑफ लिटरल नंबर, यानी क्या क्या इसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन ऑन लिटरल नंबर, जो लिटरल नंबर है उसमें क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि जैसे x प्लस फाइव या फिर x माइनस टू या फिर x मल्टीप्लाई टू या फिर x डिवाइड बाय टू, ये कुछ ऑपरेशन हैं जो हम लिटरल्स के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? लिटरल के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार बेसिक ऑपरेशन है, यानी फोर बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये कुछ ऑपरेशन हैं जो हम लिटरल के ऊपर करने वाले हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.1 और बाकी जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपके दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 7.1। तो 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एलजेब्रिक फॉर्म। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन्हें हमें एलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, m इंक्रीज बाय ट्वाइस n, यानी कि m जो है m इज इंक्रीज ट्वाइस n, यानी कि m जो है वो इंक्रीज हो गया है किससे? ट्वाइस n, यानी m जो है वो क्या है? इंक्रीज मतलब बढ़ना, यानी प्लस, ट्वाइस मतलब टू टाइम, किसका? n का। यानी जो इक्वेशन बनी है, जो हमें एलजेब्रिक फॉर्म बनी है, वो बन जाएगी m प्लस 2n, इस तरह से हमें इसको लिखना है। सेकंड पार्ट है 8 more than 5 टाइम y, यानी कि 8 more than 5 टाइम ऑफ y, यानी कि ये हो जाएगा 8 plus 5y, क्या हो जाएगा? 8 plus 5y। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट है y is multiplied by 8, y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? माइनस 8 से, तो 8 बन जा 8 और माइनस 8, माइनस 8y, यहां से हमारी एलजेब्रिक फॉर्म बन जाएगी। देन फोर्थ पार्ट है 12 subtracted from 4m, यानी 12 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4m, यानी कि 4m में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? 12 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो स्टेटमेंट हैं इनको हम इस तरह से एलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्स वाई प्लस 4, एक्स वाई प्लस 4, इसका हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें एलजेब्रिक फॉर्म दी हुई है, हमें स्टेटमेंट बनाना है। y इज डिवाइडेड, x इज डिवाइडेड बाय y
इसका हम फॉर्म बनाएंगे, तो इसकी फॉर्म हो जाएगी हमारी फोर इज एडेड टू एक्स व्हेन x is divided by y. ठीक है, 4 is added to x divided by y. इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, 4 is added to x divided by y. 4 is added to x डिवाइडेड बाय y. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. सेकेंड पार्ट है 50y plus 8. तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ y इज एडेड 2 8, यानी 50 टाइम ऑफ y, यानी 50 मल्टीप्लाई y, तो 50 टाइम ऑफ y इज एडेड टू 8. ठीक है, अगला हो जाएगा 13y minus 9. 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 टाइम्स ऑफ y. y के 13 टाइम में से हमें 9 सब्ट्रैक्ट कर लिया. देन अगला पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट, पी एल बाय जेड प्लस 8, ये फोर्थ पार्ट है. 8 इज एडेड टू पी टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय जेड, यानी कि पी टाइम ऑफ एल को जब डिवाइड करेंगे जेड से, उसमें फिर हम 8 ऐड करना है. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2. देन क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, उसे हमें राइट ईच ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें प्रोडक्ट फॉर्म दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है. a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b. अब यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट फॉर्म दे रखी है. क्या दे रखी है? प्रोडक्ट फॉर्म. हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको. a कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4 5, यानी कि a लिखा और कितने टाइम आ रहा, 5 टाइम, तो 5 ऊपर लिख दिया. ठीक है, मल्टीप्लाई में b कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4, b लिखा और कितनी बार आ रहा, 4 टाइम आ रहा है. अब इसको हम कैसे लिखते हैं, a की पावर 5 b की पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा. सेकेंड पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y. ठीक है, अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना. 4 की टाइम हमारा 4 लिखा, 1 2 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई x कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई y, y आ रहा है 2 टाइम, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 x की पावर 5 y की पावर 2. इस तरह से दोबारा देखो इसको लिखने का तरीका, ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 3 y
एक्स की पावर 5 वाई की पावर 2, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, 10 × (n) × (p) × (p). तो ये हो जाएगा हमारा 10 × (1, 2, 3) × (m) × (3) × (p) × (2). इसको मैं से लिख सकते हैं 10 × (3) × (3) × (4) × (2). ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देन लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला, वो है आपका 3 × 6 × (p) × (6) × (l). तो ये हो जाएगा 6 × (3) × (p) × (3) × (l) × (6), आंसर यहां से हमारा आ जाएगा। देन लास्ट पार्ट करते हैं हम, लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 3 × (4) × (x) × (3) × (4) × (3) × (y) × (4) × (z) × (2). ये दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हो जाएगा 3 × 3, इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, 3 × 3 × 3 × 3 × (x) × (x) × (y) × (y) × (y) × (y) × (z) में इसी में आगे (z) × (z), इस तरह से ये आपका हो जाएगा। देन थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, वो है आपका 7 × (3) × (p) × (3) × (l) × (4). ये हो जाएगा 7 × 7 × 7 × (p) × (p) × (p) × (l) × (l) × (l). ये इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी। देन 7.1 हमारी कंप्लीट होती है।